हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवन चैनल क्लासेस फॉर यू एंड दिस इज़ आवर फिफ्थ सेशन फॉर दिस सीरीज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइंस सिलेबस फॉर रीड एग्जाम मेनली दिस विल हेल्प ऑल द टेट एग्जाम ठीक है हमारे सभी टेट एग्ज़ाम में ये हमारा सेशन जो है ये हमारे हेल्पफुल रहेगा सबके लिए ठीक है सी हो के हो रीट हो ठीक है या फिर कोई भी अपना स्टे टैट हो एस्टेट हो ठीक है तो इस तरह के जितने भी हमारे टैट्स हैं उसमें ये यूज़फुल रहेगा और इसके साथ साथ जो राजस्थान बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये हमारे साइंस की रिविज़न है यहाँ पर वो भी यहाँ से अपने चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो मैं भी रीड के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ तो अभी जो मैं रीड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं उसमें इसको राजस्थान बोर्ड की बुक्स को यूज़ कर रही हूँ और इसमें से सिलेबस आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन जहाँ पर मैं भी पढ़ रही हूँ और आप भी इसको वीडियो को देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टैट एग्ज़ाम के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को पॉइंट्स टू तो बी स्टडी तो जो पॉइंट हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं वो देखिए देखिए ये जो सेशन रहेगा ये जो साइंस का जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं जो जितनी भी हमारी एन होती हैं या कोई भी स्टेट बुक होती हैं तो वो हेल्पफुल होती हैं वहाँ के स्टेट एग्ज़ाम में ठीक है जो हमारा साइंस वाला पोर्शन है यहाँ पर मेनली वो कवर कर पाएंगी और इसके साथ साथ जो हमारे एन बुक्स होती हैं वो भी हम कर रहे हैं साथ साथ चैनल पर तो वो भी हमें क्या होते हैं जो हमारे जनरल एग्जाम्स होते हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वो उसमें भी हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस क्लास वीडियोस को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन जो हम यहाँ पर पॉइंट्स टू बी स्टडी की जो जो से पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर नेचुरल फाइबर्स के अंदर आप नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो देखिए फोर पॉइंट वन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर तो क्या क्लासिफिकेशन फाइबर की जो फाइबर्स का जो वर्गीकरण है यानी कि रेशियो को कैसे वर्गीकृत किया जाता है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फाइबर्स में जैसे हमारे कॉटन जूट एंड मूंज तो ये जो हमारे प्लांट फाइबर हैं हम सभी जानते हैं जो कॉटन जूट और मूंज होते हैं ये हमारे प्लांट फाइबर हैं प्लांट से मिलने वाले रेशे हैं तो उसके अलावा जो स्पिनिंग है वीविंग ऑफ कॉटन है फाइबर्स एंड कलरिंग प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ तो इसके सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये वो पॉइंट बताए गए हैं जो इस चैप्टर में कवर किए गए हैं और जो हम इन यहाँ से जानने वाले हैं तो इसके अलावा हम जानेंगे एनिमल फाइबर्स के जो हमारे एनिमल्स हैं हमें जो फाइबर मिलते हैं जैसे कि वुल हुआ या फिर सिल्क हुआ एंड आवर क्लोदिंग और फिर उसके बाद में चलेंगे हम हमारे क्लोदिंग के बारे में जानेंगे कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो क्या है किस तरह से हैं तो इस चैप्टर में हम यही मेन पॉइंट्स से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को तो जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर इससे पहले कुछ हमें लाइन दी गई है देखिए द क्लॉथ्स बेड शीट्स करटेन्स एक्सेट्रा एट आवर होम मेड अप ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स तो हम ये जानते हैं हमारे घरों में जो कपड़े होते हैं बेड शीट होती हैं ठीक है चदरें होती हैं बेड वगैरह पे बिछाने वाले इसके अलावा जो हमारे पर्दे होते हैं एक्सेट्रा एट आवर होम जो हमारे घरों में होते हैं अप ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स वो अलग अलग कपड़ों से बने हुए होते हैं आपने भी देखा होगा जो हमारे जो चदरे हैं वो किसी और कपड़े से बनी होंगी और उसके अलावा जो हमारे कर्टेन्स पर्दे वगैरह होते हैं जो विंडो पे लगे होते हैं वो किसी और ही तरह के कपड़े से उनका जो फाइबर होगा उनका जो स्टफ होगा वो किसी अलग तरीके का होगा विल यू आइडेंटिफाई सम क्लोज फ्रॉम दीज तो क्या आप यहाँ से कुछ क्लोज को पता लगा सकते हो यहाँ से जो आपके घरों में पै जाते हैं लेटस्ट अंडरस्टेंस चलो हम इनके बारे में जानते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ फाइबर तो फाइबर्स को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं यानी कि जिस रेशे से वो कपड़े हमारे कपड़े बने हुए होते हैं आप उनको कैसे क्लासीफाई करोगे कैसे उनको वर्गीकृत करोगे कैसे उनमें डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसके लिए एक्टिविटी वन करने वाले एक्टिविटी वन में देखिए विजिट ए टेलर शॉप आपने क्या करना है टेलर की शॉप पर जाना है नियर बाई योर हाउस जो आपके घर के आसपास हो कलेक्ट सम पीसीज ऑफ़ क्लॉथ फ्रॉम देयर और वहाँ से कुछ आ, कपड़े के टुकड़े लेने हैं आपने कलेक्ट करने हैं एकत्रित करने हैं टच एंड फील ईच एंड एवरी पीस ऑफ द क्लॉथ और आपने कपड़े के हर एक टुकड़े को क्या करना है छू कर के उनको फील करके देखना है लेबल द क्लोथ विद कॉटन आपने क्या करना है उनका नाम रखना है उन कपड़ों का आप नाम रखना है कि कौन सा उसमें कॉटन है कौन सा सिल्क है कौन सा वुल है एंड मिक्स ऑन द पीसेज ऑफ क्लोथ या फिर कौन सा मिक्स है कपड़े पर वो आपको पता करना है उनको छू करके आप पता लगा सकते हो यू टेक द हेल्प ऑफ द टेलर अगर आपको पता नहीं लगता है तो आप टेलर की भी हेल्प ले सकते हो देखो आप अगर टेलर की शॉप पे जाओगे तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के कपड़े वहाँ पर मिलेंगे आपको तो आपको उनको छू करके देखना है और पता लगाना है कि कौन सा कपड़ा कौन सा है सिल्क है वुल है क्या है सिल्क ठीक है कॉटन है तो देखिए कटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ एट ए ग्लैंस तो एक नज़र में अगर आप देखोगे तो सारे कपड़े इस तरह से दिखाई देंगे आपको टेलर की शॉप पर पुल ए सिंगल थ्रेड तो आपने क्या करना है एक सिंगल थ्रेड एक एक धागा अकेला धागा वहाँ से पुल कर लेना है खींच लेना है फ्रॉम एनी पीस ऑफ क्लोथ क्लोथ से ठीक है किसी भी कपड़े से आपने एक थ्रेड को खींच लेना है वट दिस फाइबर और थ्रेड आर मेड अप ऑफ आप पता लगाइए कि जो ये फाइबर आपने जो ये धागा आपने खींचा है ये जो थ्रेड आपने खींचा है ये किस चीज़ का बना होगा लेट कलेक्ट सम नॉलेज चलो कुछ नॉलेज हम कलेक्ट करते हैं ठीक है दूध फाइबर विच आर ओपटेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर कोल्ड नेचुरल फ़ाइबर तो वो फाइबर जो कि हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं या तो प्लांट पौधों से या फिर जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फ़ाइबर बोलते हैं प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं एग्जाम्पल वुल कॉटन जूट मूज सिल्क एक्सेट्रा तो ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर के जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं क्लियर है देखिए फिगर में दिखाया गया है फिगर फोर पॉइंट टू में सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर तो ये सोर्सेज स्रोत हैं हमारे नेचुरल फाइबर के जहाँ से हमें नेचुरल फाइबर मिलती है हमारा प्राकृतिक रेशा मिलता है जैसे कॉटन देखो आपने देखे होंगे कॉटन का पेड़ इस तरह से होते हैं और इस पर ऐसे कॉटन के ऐसे फूल से लगे होते हैं वाइट वाइट तो यही कॉटन होती है वुल जो है हमारी भेड़ बकरियों वगैरह से लेते हैं सिल्क जो है हमारा मौत से लेते हैं ये ठीक है एक कीड़ा होता है सिल्क वो ठीक है सिल्क वोम वो बनाता है सिल्क तो देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे आगे दूस फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन तो वो फाइबर जो कि ह्यूमन बनाते हैं मानव द्वारा बनाए गए जो रेशे होते हैं विद केमिकल्स आर कोल्ड आर्टिफिशियल फाइबर जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं ठीक है केमिकल की हेल्प से जो आ, आ, मानव द्वारा बनाए गए जो रेशे होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं और मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर या फिर जो हमारे मैन मेड उनको मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है जो कि मानव द्वारा बनाए गए होते हैं नेचुरली नहीं मिलते हमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेयोन डैक्रोन एंड नायलोन तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं उन फाइबर्स के जो कि मैन मेड हैं यानी कि मानव द्वारा बाद में बनाए गए हैं वो नेचर से नहीं मिलते हमें सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट फाइबर आप प्लांट फाइबर के बारे में जानेंगे एनिमल और प्लांट फाइबर हमें पता लगे कि नेचुरल फाइबर होते हैं तो हम प्लांट फाइबर के बारे में जानेंगे जिसमें हमारा कॉटन जूट और हमने पढ़ा था कॉटन जूट और हम हमने मूंज को पढ़ा था इसमें राइट तो अब चलो इसके बारे में पता करते हैं क्या है कि कॉटन जो होता है वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट तो कॉटन हमें कॉटन के प्लांट से मिलती है कॉटन यानी जो रुई होती है वो हमें रुई के पौधे से मिलती है कॉटन ठीक है इट्स फ्रूट्स आर ऑफ द साइज़ ऑफ ए लेमन जो इसके फ्रूट होते हैं जो इसके फल होते हैं वो हमारे लेमन के साइज़ के यानी कि एक नींबू के आकृति के होते हैं इसके साइज़ के होते हैं आफ्टर द मैचोर जब वो मैच्योर हो जाते हैं द बोल ऑफ कॉटन फॉल ऑफ फ्रोम द प्लान्टटन फाइबर आर सीन तो क्या होता है वो जो बॉल होती हैं वो लेमन टाइप में लेमन के आकार की जो बॉल होती है कॉटन की कॉटन की बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिर जाती है जब वो मैचोर हो जाती है एंड फ्रोम द प्लांट प्लान्ट से एंड कॉटन फाइबर आर सीन और कॉटन फाइबर हमें क्या है दिखने लग जाते हैं इफ़ यू ऑब्जर्व कॉटन फील्ड एट द टाइम ऑफ रूटिंग इट अपीयर्स लाइक कवरिंग विद स्नो अगर आप क्या है फ्रूटिंग टाइम में यानी कि जब उन पर फ्रूट लग रहे हो उसका फल लग रहा हो और कॉटन के प्लांट पर अगर तब आप उसके फील्ड को उसके उस मैदान को देखोगे जहाँ पर कॉटन प्लांट लगे हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि क्या हो रहा है वहाँ पर स्नो से वो ढकी हुई हो वो जो मैदान है खेत खिलाना है वो ऐसा लगेगा जैसे कि स्नो से बर्फ़ से ढका हुआ हो इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि वाइट होती है ना इस तरह से कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स अगर कॉटन को क्या है हम कॉटन बॉल से कैसे लेते हैं वो देखिए कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड कॉटन को ज़्यादातर क्या है हाथों से उठाया जाता है फाइबर्स आर दैन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग और कॉम्बिंग की एक प्रोसेस होती है जिससे क्या है उसके सीड को उसके फाइबर से ठीक है अलग किया जाता है दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गीनिंग ऑफ कॉटन और इस प्रोसेस में जहाँ पर सीड को उसके कॉटन से क्या है अलग किया जाता है सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द कॉम्बिंग ठीक है तो फाइबर को जहाँ पर उसके uh, सीड से अलग किया जाता है वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी गिनिंग प्रोसेस कही जाती है गिनिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को जहाँ पर फाइबर को उसके सीड से अलग किया जाता है इन कॉटन प्लांट ठीक है वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल तो हमें जो कॉटन मिलती है वो हमें कॉटन बॉल से मिलती है दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग तो आजकल क्या है गिनिंग के लिए इस प्रोसेस के लिए जहाँ पर हम फाइबर को उसके सीड से अलग करते हैं कॉटन प्लांट में यहाँ पर मशीन का भी यूज़ किया जाने लगा है ठीक है पहले हाथों से उसको अलग किया जाता था अब क्या है मशीन का भी यूज़ किया जाता है सो द नेक्स्ट इज जूट जूट जो है हमारा ये भी प्लांट फाइबर है इसके बारे में देखें जूट फाइबर इज ऑप्टेंड फ्रॉम द स्टैम ऑफ द जूट प्लांट तो ये हमेशा क्या है जूट प्लांट के स्टैम से तने से मिलती है हमें जो जूट होता है वो हमें जूट प्लांट के तने से मिलता है फॉर ऑप्टेनिंग जूट फाइबर इट्स प्लांट इज हार्वेस्टेड वैन इट स्टार्ट फ्लावरिंग तो इसको क्या कब कटाई होती है इसकी जब ये फ्लावरिंग पर हो यानी कि फूल फूल लगे होते हैं तब जूट प्लांट पर तब इसको Uh, काटा जाता है फाइबर प्राप्त करने के लिए फाइबर लेने के लिए इससे रेशे लेने के लिए ये भी तभी काटा जाता है जब इस पर फ्लावर लगे हुए हो द स्टेम्प्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज और इसकी जो स्टैम होती है इसका जो तना होता है इसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो करके रखा जाता है द स्टैम्प्स गोट रोटन एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड्स तो जो उसकी जो स्टैम्प्स होती हैं वो एकदम फूल सी जाती हैं और उससे क्या जो फाइबर होता है वो अलग कर लिया जाता है हाथ के द्वारा ठीक है हम हाथों से उस फाइबर को अलग कर लेते हैं उसकी स्टैम से जूट प्लांट की स्टैम से टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू यान फैब्रिक बनाने से पहले यानी कि उसको कपड़े में बदलने से पहले उसको पहले यान बनाए जाते हैं क्या बनाए जाते हैं उससे यान बनाए जाते हैं वी मेक डोरमेट्स चटाई एंड बैग्स फ्रॉम द जूट हम जूट्स की हेल्थ से जो हमें जूट प्लांट होता है उससे हम डोरमेट्स बनाते हैं यानी कि जो हमारी दरवाज़ों पर बिछाने वाले होते हैं डोरमेट गलीचे वगैरह या फिर इससे चटाई बनाई जाती है इसके साथ साथ जो बैग होते हैं जो बोरियाँ वगैरह बनती हैं जूट की वो बनाई जाती हैं सो जो नेक्स्ट वन है वो हमारा मूंझ है मूंझ भी एक प्रकार का फाइबर आ, प्लांट है देखिए मूंझ इज ऑप्टेंड फ्रॉम द मूज ग्रास जो कि क्या है हमारे मूंझ ग्रास से मूंझ नामक एक जो है ग्रास होती है घास होती है वहाँ से मिलता है द बोटानिकल नेम ऑफ दिस प्लांट इज सेखरम मूंझ ठीक है ये एन सी आर टी में आपको मैंशन नहीं मिलेगा आप देखिए यहाँ पर ये सखैरम मूंझ है मूंजा नाम का एक वो होता है ग्रास होती है आपकी घास होती है ठीक है सेकेरम uh, मुंजा नाम की घास होती है जहाँ से हमें मूंज फाइबर प्राप्त होता है दिस इज ए मोनोकोट प्लांट ये क्या होता है एक मोनोकोट प्लांट होता है इट इज़ जनरली फाउंड इन नागौर बिकाने सिकार एंड एक सेकेंड झुंझुन झुंझुनू झुंझुनू में और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली घास है ठीक है जहाँ से हमें आ, ये फाइबर प्राप्त होता है द स्टैम्स ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज टू मेक तो ये जो स्टैम होता है देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जो रीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि राजस्थान एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर एक मूंजा मिलता है सेक्रम मूंजा नाम होता है जहाँ से हमें मूंज नामक जो है फाइबर प्राप्त होता है और ये जो पाया जाता है ये नागौर में बिकानेर सिक्कर में एंड झुंझुनू जुन में और इसके साथ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है द स्टैम्प्स ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज टू मेक जो इसकी स्टैम्प होती है इसको यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए हर्स ट्रेडिशनल फर्नीचर यानी कि हर्ज झोपड़ियाँ बनाने के लिए या फिर ट्रेडिशनल जो आपके फर्नीचर है उनको बनाने के लिए जिसमें टेबल या फिर मुड्डे हो गए मुड्डे बनाए जाते हैं ना वो मुंजू से बनाए जाते हैं एंड इको फ्रेंडली टॉयज और इको फ्रेंडली टॉयज जो कि क्या है अगर यूज़ ना करें या खराब हो जाए तो वो इको uh, फ्रेंडली हो हमारी इको मिको और हमारे जो इको सिस्टम है उसको नुकसान नहीं देते इट्स फाइबर आर ऑल्सो यूज टू मेक मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोप्स इसके फाइबर को अलग अलग प्रकार की रशिया बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है विच विलेज यूज इन बैड जिसको विलेजर्स क्या करते हैं अपने बैड में चेयर्स में और डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ करते हैं यानी कि जब बैड बनाया जाता है उसमें भी उन रस्सियों का यूज़ किया जाता है और चेयर्स में भी आपने देखा होगा खटिया वगैरह जो होती हैं उनमें इन रस्सी का यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ चेयर्स भी बनाई जाती हैं और उसके साथ साथ जो डेकोरेटिव आइटम्स आजकल बहुत यूज़ किए जाते हैं इनसे हुए anyway, जो घरों में डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान मूंज डिपेंडेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर मेड विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वर्कर्स तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मूंज डिपेंडेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो उस पर क्या है मूंज के ऊपर डिपेंड छोटे छोटे स्केल इंडस्ट्री बनाई गई है मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स जहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में आर मेड विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू तो द वर्कर्स जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं उन वर्कर्स को जो कि वहाँ उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर जूट आपको दिखाया गया है फिगर फोर पॉइंट थ्री में जूट दिखाया गया है और इसके साथ साथ जूट बैग जो है जूट से बनाए गए बैग जो हम यूज़ करते हैं ये दिखाए जा रहे हैं ठीक है इनको जनरली यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया के पूरे हर एक क्षेत्र में इनको यूज़ किया जाता है जूट बैग्स को तो देखिए स्पिनिंग वीविंग ऑफ कॉटन एंड फाइबर एंड कलरिंग प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ्स तो जो फोर पॉइंट थ्री जो हमें दिखाई गई है ये जो है स्पिनिंग के बारे में जानेंगे वीविंग ऑफ कॉटन और फाइबर्स इसके साथ साथ जो कलरिंग प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ्स हैं यानी कि कपड़ों को कैसे कलर किया जाता है प्रिंट किया जाता है वो सब जानेंगे फिगर 4.5 में आपको मूंज दिखाई गई इस तरह की मूंज होती है जो अजमेर राजस्थान में होती है ये घास होती है एक तरह की फर्नीचर मेड ऑफ मूंज जो फर्नीचर बनाए जाते हैं इस मूंज से आपने देखा होगा ये जो आप देख पा रहे हो पीछे ये क्या है हमारे राजस्थान में ही ये मुड्डी वगैरह बोला जाता है ये वहाँ पर ज़्यादा बनती है ये मूंज से बनती है मूंज जो है एक प्रकार की घास होती है उससे बनाई जाती है फाइबर आर यूज फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स फाइबर जो होते हैं जो रेशे होते हैं उनको कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है हाउ फाइबर्स गेट कन्वर्टेड इंटू यान तो जो हमारे फाइबर होते हैं जो रेशे होते हैं उनसे यान कैसे बनाया जाता है लेट्स अंडरस्टैंड चलो हम इसके बारे में जानते हैं हमें ये पता है कि यान जरूरत होती है अगर हम फेब्रिक बना रहे हैं और फैब्रिक बनेगा तभी क्लॉथ बनेगा ठीक है लेकिन यान कैसे बनेगा अब इसके बारे में जानेंगे हम ये जान चुके हैं कि यन जो है हमारा वो हमारा फाइबर से बनता है तो अब देखिए इस एक्टिविटी टू में हम वही जानेंगे कि हम फाइबर से यान कैसे बनाते हैं एक्टिविटी टू में देखिए होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड आपने एक हाथ में क्या करना है कुछ कॉटन को लेना है रुई को लेना है पिंच सम कॉटन बिटवीन फोर फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड आपको क्या करना है दूसरी दूसरे हाथ के फोर फिंगर्स जो सा, आगे वाली जो उंगलियाँ हैं मतलब आगे जो उंगलियाँ होती हैं उनसे आपको उनको पिंच करना है ठीक है पिंच करोगे नाउ जनरली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर लाइक यू डू फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर लैम्प जब आप लैम्प के लिए थ्रेड बना रहे होते हो देखिए आपने आ, आप जब लैम्प जलाते हो तो उसमें जो यू, यू, रुई वो यूज़ की जाती है बत्ती यूज़ की जाती है वो बनाते हो तो इसी तरह से आपको क्या करना है उसको पिंच कर लेना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से क्या है थोड़ा थोड़ा उसको खींचते हुए बाहर ट्विस्ट करते हुए मोड़ते हुए उसको क्या है बाहर की तरफ निकालना है कंटिन्यूसली तो क्या होगा यू ऑब्जर्व दैट ए लॉन्ग थ्रेड यार्न इज़ फॉर्म तो आप देखोगे कि एक लंबा धागा बन जाएगा कॉटन से जिसको यार्न बोला जाता है ठीक है जो आगे फाइबर फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं मेकिंग यान फ्रॉम कॉटन तो इस तरह से हम क्या है यान बना सकते हैं कॉटन से एक हाथ से आप आपको उसको पकड़ना है यहाँ कॉटन पकड़ी एक हाथ में पिंच करके ठीक है हाथ में उंगलियों से दबा करके और दूसरे हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए दूसरे हाथ में लाओगे तो यहाँ पर आपका थ्रेड बन जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट जो है हमारी स्पिनिंग की जो प्रोसेस है स्पिनिंग के बारे में जानते हैं स्पिनिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग तो इसी प्रोसेस को जहाँ पर हम फाइबर से हम क्या बनाते हैं यान बनाते हैं इसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं यानी कि फ़ाइबर टू यान जब बनेगा फाइबर से जब यान बनेगा तो ये जो प्रोसेस होगी ये हमारी स्पिनिंग कही जाएगी ठीक है क्लियर है स्पिनिंग कौन सी प्रोसेस होती है जहाँ पर फाइबर से यान बनाया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग कॉटन इज बुल्ड एंड जेंटली ट्विस्टेड सिमल्टेनियसली तो जब ये जो प्रोसेस होती है स्पिनिंग की जो प्रोसेस होती है तो कॉटन को आप क्या करते हो धीरे धीरे खींचते हो जेंटली आराम से और ट्विस्ट घुमाते हुए खींचते हो लगातार दिस मेक्स फाइबर क्लोज टू इच अदर एंड यान इज फॉर्म तो इस तरह से जो फाइबर होते हैं उसके वो आपके क्या होते हैं धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उससे हमारा फाइबर यान बन जाता है ओके उसे हमारा यान जो है बन जाता है ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड इज़ ए हैंड स्पिंडल तो एक जो हैंड स्पिंडल होता है क्रोशिया वगैरह जो होता है इसको भी क्या है स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है ऑल्सो कोल्ड द कतली जिसको टकली जिसको टकली भी कहा जाता है ठीक है तकली भी कहा जाता है अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ द चरखा और इसके अलावा जो दूसरा डिवाइस जो दूसरा यंत्र होता है वो हमारा चरखा होता है जहाँ पर हम क्या बनाते हैं स्पिनिंग की प्रोसेस होती है यानी कि फाइबर से यान बनाया जाता है एक यान बनाया जाता है तो वो हमारे चरखे के द्वारा भी बनाया जाता है तो देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है हैंड स्पिंडल दिखाया गया है ठीक है क्रोशा वगैरह ये स्पिंडल है स्पिंडल और इसे क्या है ऐसे खींच करके यहाँ ऊपर की तरफ ये क्या है थ्रेड बनाया जा रहा है यान बनाया जा रहे हैं और इसी तरह से जो है चरखा ये गांधी जी यूज़ करते हैं वो तब से फेमस हुआ है वीविंग देखिए वीविंग के बारे में जानेंगे वीविंग जो होती है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक तो एक फैब्रिक बनाने के लिए जब दो यान को एक साथ लाया जाता है अरेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है ठीक है वीविंग कहा जाता है वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स तो इसको लूम्स पर बनाया जाता है आपने देखे होंगे इस तरह से चरखे वो जाते हैं लकड़ी के बने होते हैं लूम्स उन पर क्या है दो दो तरह के यान एक साथ लाया जाता है और उसे फैब्रिक बनाया जाता है कपड़ा बनाया जाता है इन ए सिंगल यान इज़ यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक नेटिंग की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जैसे हमारी आ, स्वेटर वगैरह बनाते हैं क्रोशिया से या सिलाई वगैरह से तो वो जो प्रोसेस होती है जिसमें एक ही यान से एक फाइबर बन, फैब्रिक बना लिया जाता है वो जो प्रोसेस होती है हमारी क्निटिंग कहना कहलाई जाती है क्निटिंग इज़ नीटिंग इज़ डन बाय हैंड तो ये हाथों के द्वारा की जाती है एंड आल्सो ऑन द मशीन और मशीन पर भी की जाती है आपने देखा होगा स्वेटर हाथों से भी बनाए जाते हैं और मशीन से भी बने हुए स्वेटर होते हैं कलरिंग ऑफ क्लॉथ अगर कलर की बात करी जाए तो कलर कैसे करते हैं क्लॉथ्स को हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड नियर पोंड और रिवर द क्लोथ ऑफ डिफरेंट कलर तो क्या कभी आपने किसी पोंड के या किसी रिवर के नज़दीक आपने कुछ अर... कलरफुल uh, कपड़े देखे हैं अलग अलग कपड़े अलग अलग कलर देखे हैं हाउ दीज क्लोथ्स आर डिफरेंटली कलर तो ये जो कपड़े होते हैं ये अलग अलग कलर के अलग अलग रंग के कैसे होते हैं किस वजह से होते हैं देखोगे आपने इज़ ऑल द क्लॉथ आर कलर्ड सिमिलरली तो क्या सारे जो कपड़े होते हैं वो एक ही कलर के बने हो कलर्ड होते हैं या रंगीन होते हैं एक ही कलर के होते हैं नहीं होते है, अलग अलग होते हैं वट इज़ मिक्स टू एनहैंस कलर ऑन कॉटन क्लॉथ तो क्या मिलाया जाता है उन कलर को बढ़ाने के लिए या कलर करने के लिए उन कॉटन को हमें पता तो लग गया कि फ़ाइबर फा, जो है कॉटन से आ रहा है प्लांट फाइबर जो है तो अब उनको कलर हमें देखा है कि कलर्ड भी होते हैं तो उनको कलर कैसे किया जाता है ये देखेंगे वट द कलरिंग मैन डू टू कलर ए सिंगल क्लोथ विद डिफरेंट कलर तो एक जो कलरिंग मैन होता है यानी कि जो आपका कलर करने वाला जो कपड़ों को कलर करता है वो जो आदमी होता है वो कैसे करता है इन कपड़ों को कलर कैसे करता है इन विच आर्ट द प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ इज डन और किस कला में जो है आपके जो कपड़े होते हैं उन पर प्रिंट किया जाता है उन पर प्रिंटिंग की जाती है टू कलर कॉटन क्लॉथ्स मैनी टाइप्स ऑफ कलर आर यूज जो कॉटन क्लॉथ्स को कलर करने के लिए बहुत सारे कलर का यूज़ किया जाता है रंगों का यूज़ किया जाता है द कलर विच इज़ टू बी यूज फॉर कलरिंग इज मिक्सिंग डिज़ायर्ड कलर इन कोल्ड वाटर फर्स्ट तो क्या होता है जो भी कलर यूज़ किया जाता है द कलर विच इज़ टू बी यूज जो यूज़ करना होता है कलर करने के लिए फॉर कलरिंग इज मिक्सड इज़ मिक्सिंग डिज़ायर्ड कलर इन कोल्ड वाटर उसको पहले क्या किया जाता है ठंडे पानी में को, uh, मिलाया जाता है ठीक है मिक्स किया जाता है नाउ दिस कलर इज़ प्योर्ड इन हॉट वाटर और फिर उसको क्या किया जाता है गर्म पानी में डाला जाता है एंड सोल्ट इज़ एडेड एंड स्टेड विद ए लॉन्ग स्टिक और उसके बाद क्या है उसमें सॉल्ट डाला जाता है नमक डाला जाता है और फिर उसको एक लंबी सी स्टिक के साथ मिलाया जाता है ऐड किया जाता है ठीक है मतलब पहले उसको ठंडे पानी में मिलाना होता है और उसके बाद उसको गर्म पानी में खोलते हुए पानी में डालना होता है और फिर उसके बाद उसको एक गर्म मतलब एक बड़ी लंबी स्टिक के साथ उसको मिलाना होता है ऐड करना होता है नाउ डिप द कल इन दिस और उसके बाद कपड़ों को उसमें डालना होता है द कलॉथ स्कीप्ड डिप्ड इन इन कलर टिल द वाटर गैट कलर ठीक है कूलर देखिए तब तक उसको उस कपड़े को उस पानी में डाल के रखेंगे उस कलर पानी में जब तक कि वो जो पानी है वो आपका ठंडा ना हो जाए आफ्टर दिस द क्लॉस आर स्क्वीज वेल एंड ड्राइड इन शेड तो उसके बाद क्या किया जाता है उस कपड़े को स्क्विच किया जाता है निचोड़ा जाता है और तब तक उसको क्या है शेड में यानी कि परछाई वाली जगह पर जहाँ पर धूप ना पड़ी हो वहाँ पर उसको सुखाया जाता है आफ्टर ड्राइंग आयरन द क्लोज और उसको उसके सूख जाने के बाद उस कपड़े के सूख जाने के बाद उसको आयरन कर लिया जाता है उस पर प्रेस कर ली जाती है ठीक है उसको आयरन कर लिया जाता है लेटस नो तो आप जान पाएंगे कि कलर कैसे किया जाता है कलर करने के लिए जो आप कलर करने वाले हो उस कलर को आपको ठंडे पानी में मिक्स करना होता है मिक्स करने के बाद उसको गर्म होते हुए पानी में उसको डालना होता है यानी आपको पहले गर्म पानी करना होगा उसमें उस मिक्स अ... जो जिस कलर में जिस पानी में आपने मिक्स किया है कलर को वो डालना होगा उसके बाद उसको मिक्स कर देना है एक लंबी स्टिक के साथ और उसके बाद अपने कपड़े को जिसको आप कलर करने वाले वो डालना है डालने के बाद उसको मिलाओगे अच्छे से उसको जब तक उसमें रखोगे जब तक वो आपका जो सॉल्यूशन है वो पानी आपका ठंडा ना हो जाए और फिर उसके बाद उसको नि निकाल के निचोड़ करके ठंड ऐसी जगह पर सुखाओगे जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है परछाई वाली जगह पर उसको सुखाओगे तो so, देखिए लेटास्ट नो चलो हम ये भी जानते हैं टाई एंड डाई जो टाई है और जो डाई है वो क्या है ठीक है द क्लोज ऑफ टाई एंड डाई आर पॉपुलर इन स्टेट्स ऑफ राजस्थान तो ये क्या है राजस्थान की जगह पर उनके स्टेट्स में उनके राज्यों में ही पॉपुलर है टाई एंड डाई एंड गुजरात और उसके साथ साथ क्या है गुजरात में विद टाई एंड डाई ए ब्यूटीफुल पैटर्न इज़ मेड ऑन क्लॉथ्स तो यहाँ पर कहता है गुजरात में या फिर राजस्थान के स्टेट में टाई एंड डाई के साथ एक अच्छा प्यारा सा पैटर्न बनाया जाता है कपड़ों पर इट इज़ ए स्केल इंडस्ट्री एज इट रिक्वायर लो बजट बजट बट मोर प्रॉफिट कैन बी अर्न तो इससे क्या होता है ये एक स्केल इंडस्ट्री है वो इसको यूज़ करती है जहाँ पर क्या किया जाता है थोड़े से बजट में यानी ये थोड़ा पैसा लगाकर काफ़ी अर्न किया जाता है प्रॉफिट लिया जाता है हैंड हैंड कर्चिफ जो होते हैं या स्कार्फ जो होते हैं या फिर सारी ब्लाउज़ सलवार सूट दुपट्टा बेडशीट कर्टेन करटे कैन बी मेड थ्रू दिस और इसके साथ साथ इसके इससे क्या है सारी चीज़ें जो कपड़ों से बनती हैं वो सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जैसे कि उसमें हैंड कर्चिफ रुमाल वग़ैरह स्कार्फ आ गई साड़ी आ गई हाउस ब्लाउज़ वगैरह इसके साथ साथ जो सलवार सूट होते हैं दुपट्टा हो गया बेड शीट्स हो गई इसके साथ वगैरह हमारे क्वेश्चन जो हैं ये सारी चीज़ें क्या है इनसे बनाई जा सकती जो है 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 इसके इसके द्वारा और 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 इसमें कम पैसा लगता है और अर्निंग अच्छी होती है। और इनको क्या जाता जाता गुजरात में uh, states में राजस्थान के किया ठीक अलावा देखिए प्लेस वेयर द क्लॉथ इज टाइटली टाइटली थ्रेडेड कलर डू नोट स्प्रेड एंड रेस्ट वोल क्लॉथ डाई तो क्या होता है कि जहाँ पर भी आफ्टर दिस ड्राइंग इज़ डन तो यहाँ पर क्या है इस ड्राइंग के बाद द प्लेस वेयर द क्लोथ इज़ टाइटली थ्रेड कलर तो वहाँ पर जहाँ पर क्या है कपड़े को पूरी टाइट टाइटली इसको क्या किया जाता है थ्रेड किया जाता है थ्रेड कलर डू नोट स्प्रेड तो वो जो कलर उस पर किया जाता है वो क्या होता है आपका स्प्रेड नहीं होता फैलता नहीं है वो क्लोथ गैड डाई और क्या है पूरा कपड़ा जो है वो डाई हो जाता है यानी कलर नहीं फैलता और वो पूरा कपड़ा क्या है डाई हो जाता है इफ़ वी हैव टू यूज मोर देन वन कलर अगर हमें एक से ज़्यादा कलर को वहाँ पर यूज़ करना होगा वी प्रोसीड फ्राम लाइट शेड टू डार्कर तो हमें लाइट शेड से डार्कर पहले लाइट कलर करना होगा उसके बाद डार्कर कलर करना पड़ेगा वन लाइक फ्राम वाइट येलो टू रेड यानी जैसे कि वाइट से पहले येलो करेंगे फिर उसके बाद रेड करेंगे आफ्टर कलरिंग विद द लास्ट कलर इट इज स्किप्ट टू डाई ड्राई कम्प्लीटली और जब हम आखिरी कलर्स पे करेंगे मान लो वाइट येलो थ्रेड करना है तो रेड करने के बाद आखिर में उसको कम्प्लीटली ड्राई करेंगे उसको पूरी तरह सुखाएँगे आफ्टर ड्राई और ड्राई करने के बाद सुखाने के बाद द्रेड द थ्रेड आर ओपनड विद अटम अटमोस्ट केयर तो उस थ्रेड को पूरे ध्यान से ख्याल रख करके केयरफुली उसको क्या करना पड़ेगा हमें खोलना होगा ओपन करना होगा द क्लोथ आर दैन आयरन उसके बाद उस कपड़े कपड़े को आयरन करना पड़ेगा विद ए आय आएर, वार्म आयरन एक गर्म आयरन से ठीक है उसके बाद उसको गर्म करना होगा नाउ द क्लोथ ऑफ टाई एंड डाई इज़ रेडी तो क्या है इस इस तरह से जो वो कपड़ा है वो टाई एंड डाई क्या है रेडी हो जाएगा टाई का मतलब हमें पता है कि बांध देना ठीक है एंड डाई डाई का मतलब मतलब कि उसको बांध करके जब हम डाई करते हैं कपड़े को वही हमारी टाई एंड डाई है तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया तो टाई एंड डाई वर्क तो ये जो टाई एंड डाई वर्क है ये कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर कपड़ों को बांधा गया है ठीक है तो इस तरह से उसको जब खोलेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर अलग अलग कलर जो इस पर दिखाई देंगे और ये हमेशा लाइट टू डार्क जाएंगे ठीक है लाइट पहले लाइट कलर करना होगा उसके बाद आप डार्क कलर करोगे तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर थ्री टेक ए हैंड करचीफ ऑफ कॉटन क्लॉथ तो आपने क्या करना है कॉटन के कपड़े का हैंड करचीफ रुमाल लेना है टाई किडनी बींग सीड विद हेल्प ऑफ थ्रेड तो आपने थ्रेड की हेल्प से क्या करना है इसको किन्नी बीन सीड्स को इसको बांध देना है ठीक है उसके बाद नो डिप इट इन एनी कलर एंड ड्राई इट और उसके बाद इसको किसी भी कलर में डालना है और फिर इसको ड्राई कर लेना है ओपन द थ्रेड एंड सी बंदेज बन, तो क्या है आप जब उसको खोलोगे तो आप देखोगे बंदेज आपको वहाँ पर मिलेगा प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ जो कपड़ों पर आप प्रिंटिंग कैसे करोगे बंदेज जो है एक कलर का वो होता है पैटर्न होता है वो जो है राजस्थान में यूज़ किया जाता है तो ये यही टेक्निक होती है टाई एंड डाई की जिससे वो किया जाता है नौ क्या करना है प्रिंटिंग ऑफ ऑन क्लॉथ अब हम प्रिंट कैसे करते हैं कपड़ों के ऊपर ये जानेंगे संगनर जो जयपुर है वहाँ पर इन राजस्थान हैज़ इट नेम इन आर्ट ऑफ प्रिंटिंग तो इसको प्रिंटिंग के आर्ट के नाम से इसको जाना जाता है जो संगनेर हो है जयपुर में इसको प्रिंटिंग आर्ट के नाम से जाना जाता है अदर सेंटर्स सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग इन राजस्थान आर जोधपुर और इसके अलावा जो अलग जो सेंटर हैं केंद्र हैं प्रिंटिंग के वो हमारा जोधपुर है उदयपुर है बारमर है और उसके साथ साथ बिलवारा इसके साथ साथ पाली एंड बागरू एंड इसके साथ अकोला चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है ये सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कपड़ों को क्या किया जाता है प्रिंट किया जाता है राजस्थान का जो प्रिंट है वो बड़ा मशहूर है और ये वो जगह है जहाँ पर कपड़ों को प्रिंट किया जाता है जिसमें आ गया हमारा जोधपुर ठीक है अदर सेंटर जो है जोधपुर उदयपुर बार्मर भिलवारा पाली बागरू एंड अकोला जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है हेयर प्रिंटिंग इज डन बाय वुडन ब्लॉक्स तो यहाँ पर वुडन ब्लॉक्स के साथ प्रिंटिंग की जाती है फॉर कलरिंग एंड प्रिंटिंग कलर करने के लिए या प्रिंट करने के लिए वेल एंड कॉटन क्लोथ्स लाइक मुस्लिम मुस्लिम क्लोथ एंड सिल्क क्लोथ आर ओनली यूज तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कपड़े या फिर सिल्क के कपड़ों को यूज़ किया जाता है इस प्रिंटिंग के लिए ठीक है दिस इंस्ट्रूमेंट्स और ये जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर प्रिंटिंग इज़ इज़ इम्प्रेशन ब्लॉक तो ये क्या है एक इम्प्रेशन ब्लॉक है ठीक है एक इम्प्रेशन ब्लॉक होता है जिस पर छाप डाली जाती है इट इज़ ऑल्सो कोल्ड भाट इसको भाट भी कहा जाता है दे आर मेड अप ऑफ वुड ये क्या है कप लकड़ी के बने होते हैं और मेटल अलोई या फिर मेटल के अलोए के बने होते हैं आफ्टर मेकिंग इम्प्रेशन दे आरकिट इन शीशम ऑयल फॉर ए नाइट तो इसको पूरी रात क्या है शीशम ऑयल के साथ रखना होता है ठीक है पूरी रात इसको ये करने के बाद इसको शीशे मोहल के साथ रखना होता है फर्स्टली कलर आर फोम इन ए कंटेनर फॉर प्रिंटिंग पहले क्या होता है प्रिंटिंग करने के लिए पहले कलर को एक कंटेनर में लेना होता है नाउ दिस कलर इज बर्ड ऑन ए स्पंज उसको फिर एक स्पंज पे डालना होता है नाउ प्रिंटिंग ब्लॉक इज गिफ्ट ऑन द स्पंज सो दैट इट टेक्स द कलर उसके बाद जो प्रिंटिंग जो वो आपका ब्लॉक होता है जिससे आप प्रिंट करने वाले हो उसको उस स्पंज पर लगाया जाता है ठीक है जिससे क्या हुआ वो प्रिंट कर पाए प्रिंटिंग इज डन इन इन फिक्सड पैटर्न और प्रिंटिंग को एक फिक्स पैटर्न में किया जाता है फ्रॉम दीज ब्लॉक्स इज़ इन ब्लॉक्स की हेल्प से जो वुडन ब्लॉक्स भी है इनकी हेल्प से ब्लॉक्स की हेल्प से दिस प्रिंटिंग इज डन ऑन बॉर्डर्स और ऑन वॉल क्लॉथ तो ये जो प्रिंटिंग होती है या तो ये बॉर्डर पे किनारों पे की जाती है कपड़े के या फिर पूरे कपड़े में की जाती है नाउ इड इज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग आज कल क्या है मशीन को भी यूज़ किया जाने लगा है इन वुडन ब्लॉक्स के बजाय मशीनों को भी इस प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा है कॉटन क्लॉथ्स आर फोम्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स विच इंक्लूड मुस्लिन तो कॉटन जो हमारे क्लॉथ्स हैं कॉटन के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं हमारे कॉटन प्लांट से जिसमें कि हमारे मुस्लिन आ गए रीज आ गई व्याल आ गया है या फिर पोपलिन जो होते हैं ये जो हमारे प्लांट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है कॉटन प्लांट्स के लिए ठीक है कॉटन क्लॉथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट कॉटन प्लांट से बनाए जाते हैं जैसे कि जो हमारे मुस्लिन जो कपड़े हैं मुस्लिन कपड़े रबीज़ जो कपड़े हैं इसके साथ जो वायल कपड़े हैं और उसके साथ जो पोलिन एक्सेट्रा ये कपड़ों के नाम है इनको क्या है कॉटन प्लांट से बनाया जाता है द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ जो 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 मेन इसकी जो इंपॉर्टेंस है जिनके सिग्निफिकेंस फ़ायदे जो हैं कॉटन क्लॉथ के वो जो आते हैं दे आर कूल ये कपड़े जो हैं जो कॉटन से बने होते हैं ये हमारे ठंडे होते हैं दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर ये मॉइस्चर नमी को सोख लेते हैं दे आर इजी टू डाई और इनको सुखाना भी बड़ा इजी होता है ये हम सभी जानते हैं एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे अभी हम प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम एनिमल फाइबर के बारे में एनिमल फाइबर के बात करें तो आइब एनिमल जो फाइबर होता है यानी कि हमारे एनिमल्स से जीव जंतुओं से मिलने वाले जो हमारे फाइबर होते हैं रेशे उनकी बात करें फाइबर्स ऑप्टेंट फ्रॉम एनिमल्स तो वो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं आर कॉल्ड द एनिमल फ़ाइबर उनको हम एनिमल फ़ाइबर कहते हैं फ्रॉम विच एनिमल्स वी गेट फाइबर एंड हाउ वी ऑप्टेंट एंड मेक यूजफुल फॉर अस लेट uh, स्टडी तो वो जो हमारे ये एनिमल फ़ाइबर होते हैं ये हम किन एनिमल से प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं चलो इसके बारे में जानते हैं और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं ये सब जानेंगे तो फर्स्ट जो है हमारा वुल है एक एनिमल फ़ाइबर है ये हम सभी जानते हैं वुल वुल इज़ ऑपरेंट फ्रॉम द हेयर्स ऑफ कैमल तो जो हमारे वुल होते हैं ये हमें या तो कैम कैमल के बाल से या फिर शिप के गोट के याक के या फिर रैबिट एक्सेट्रा इन सब के बालों से इनके हेयर से हमें वुल मिलती है ये हम सभी जानते हैं जो ऊँट होते हैं भेड़ बकरियाँ होती हैं या इसके अलावा जो याक होता है या फिर इसके अलावा जो हमारा रैबिट होता है खरगोश होता है इनके बालों से हमें वुल मिलती है ये सभी जानते हैं दीज एनिमल्स हैव ए थिक लेयर ऑफ हेयर ऑन दिन इन एनिमल्स के पास क्या होती है एक मोटी सी हेयर की लेयर होती है यानी कि उनके शरीर पर एक मोटी लेयर होती है बालों की विच कीप देयर बॉडी उनके उनकी बॉडी को उनके शरीर को गर्म रखती है इस इतने ज़्यादा घने बाल होते हैं उनकी बॉडी पर जो उनको गर्म रखते हैं फाइबर्स लाइक सॉफ्ट हेयर आर यूज टू मेक वोल तो ऐसे फाइबर जो कि आपके क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं ठीक है फाइबर्स लाइक सॉफ्ट हेयर वैसे फाइबर जो कि सॉफ्ट हेयर जैसे होते हैं उनको यूज़ किया जाता है आ, वुल के लिए ठीक है जिनके पतले सॉफ्ट हेयर होते हैं ऐसे यूज़ किए जाते हैं वुल के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वुल तो हम वुल जो बनाते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है बनाने की वो क्या है वो प्रोसेस देखते हैं हाउ द हेयर्स ऑफ एनिमल यूज टू ऑप्ट इनवोल्ड लेटर स्टडी तो कैसे उन बालों को उन हेयर्स को यूज़ किया जाता है वुल बनाने के लिए तो इसके बारे में हम जानते हैं चेंजिंग द फाइबर्स इन्वल्व तो हम कैसे चेंज करेंगे किसी फाइबर को वुल में कैसे चेंज किया जाता है ये जानेंगे द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ फूड तो वुल बनाने के लिए जो नीचे दी गई जो प्रोसेस हैं ये यूज़ की जाती हैं ये प्रोसेस की जाती हैं फर्स्ट वन है द हेयर आर शेव्ड फ्रॉम एनिमल तो जो ए, एनिमल से क्या है हेयर्स है, को निकाला जाता है शेव कर शेविंग करके उनकी इट इज़ नोन एज शेयरिंग और इस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है जब क्या होता है बालों को हटाया जाता है उन जंतुओं की त्वचा से दिस प्रोसेस इज़ डन इन समर सीजन सो दैट द एनिमल डजन सफ़र तो इसको कब किया जाता है इनको गर्मी के दिनों में किया जाता है ताकि जो जानवर है उसको कोई दिक्कत ना हो these हेयर्स आर spin टू form या इनको क्या स्पिन स्पिनिंग के प्रोसेस द्वारा इनको यान में कन्वर्ट कर लिया जाता है यान बना लिए जाते हैं दैन दीज फाइबर्स आर मेड मेड ऑयल और इन फाइबर से क्या क्या किया जाता है मेड ऑयल डस्ट फ्री एक्सेट्रा फिर इन फाइबर से ऑयल को और डस्ट को निकाला जाता है द प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग और इस प्रोसेस को जहाँ पर उससे डस्ट को या फिर ऑयल को निकाला जाता है उन हेयर से उस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहा जाता है ठीक है स्काउरिंग कहते हैं फॉर दिस द हेयर आर डिप्ड इन बिग टैंक्स तो इसके लिए ये इस स्काउरिंग प्रोसेस के लिए उनको बड़े बड़े टैंक्स में डालना होता है एंड देन वॉश्ड विद वाटर उसके बाद पानी के साथ उनको धोना होता है ठीक है तो स्काउरिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पर इन को जो फाइबर हमने निकाले हैं एनिमल की त्वचा से उनको हम क्या करते हैं डस्ट फ्री और ऑयल फ्री करते हैं पानी में डुबो उनको धोया जाता है तो इसी प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं तो थर्ड जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स आर दैन सॉर्टेड तो अलग अलग प्रकार के उनके हेयर्स को वहाँ पर सॉर्ट किया जाता है अलग निकाला जाता है स्मॉल सॉफ्ट एंड पफ्ड फाइबर आर कॉल्ड बुर तो इस तरह के जो हम बनाते हैं उनको अलग अलग बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं आर सॉर्टेड सेपरेटली तो इनको क्या है अलग किया जाता है सबको यानी कि सॉफ्ट को अलग निकाला जाता है स्मॉल होते हैं जो उनको अलग निकाला जाता है जो पफ puff, पफ़ी होते हैं उनको अलग निकाल दिया जाता है देन दे आर ड्राइड एंड अगें स्कांग और उसके बाद फिर से उनको धोया जाता है और फिर एक बार फिर से उनको पानी में अच्छे से स्कावर साफ किया जाता है द फाइबर्स ऑप्टेंड फ्रोम दिस मैथड आर स्पिन एंड थ्रेड तो इस प्रोसेस से जो हम फाइबर वहाँ से पाते हैं उनको फ्रॉम दिस मेथड इस मेथड से उनको हम क्या कहते हैं स्पिन इन थ्रेड तो उन उनसे क्या किया जाता है थ्रेड uh, बनाया जाता है स्पिनिंग की प्रोसेस से उनका थ्रेड बना लिया जाता है पहले हम उनको यान बनाते हैं फिर उसके बाद उनसे थ्रेड बना लेते हैं देन वुल इज़ कलर्ड इन डिफरेंट कलर और उसके बाद उस वुल को अलग अलग कलर में कलर uh, कर लिया जाता है रंग कर लिया जाता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड थ्रेड्स स्ट्रेट एंड मेकिंग इट्स रोल इज़ कॉल्ड रीलिंग तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम थ्रेड को क्या करते हैं या तो स्ट्रेट बन, बनाते हैं या फिर उनके स्ट्रेट करके उन, उनके रोल बनाते हैं इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं ठीक है आ, लंबे लंबे बड़े बड़े क्या बना लिए जाते हैं रोल बना लिए जाते हैं इससे इस थ्रेड से तो उस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं लॉन्ग फाइबर आर यूज इन स्वेटर वेल शॉर्ट फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग वुलन क्लोथ्स so, जो लंबे फाइबर होते हैं उनको स्वेटर बनाने में यूज़ कर लिया जाता है जबकि जो छोटे होते हैं उनको वुलन क्लोथ्स बनाने में यूज़ कर लिया जाता है तो देखिए इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया के कुछ पार्ट्स में कुछ हिस्सों में जैसे कि हमारा जम्मू और कश्मीर है वुल इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम कश्मीरी गोट तो वो कश्मीरी गोट से पाया जाता है कश्मीर की पा में पानी जाने वाली जो भेड़ बकरियाँ होती हैं वहाँ से पाया जाता है कश्मीर की बकरियों से और एनगोरा स्पीसीज़ ऑफ गोट या फिर जो एनगोरा की स्पीसीज़ पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ से इनको लिया जाता है ठीक है जो हमारी आ, इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर वुल यहाँ से वुल हमारी मिलती है यानी कि जो एंगोरा नाम की जो स्पीसीज़ होती है बकरी की वहाँ से हमें ये मिलती है ये वुल मिलती है दिस वुल इज़ सॉफ्टर एंड शार्स मेड फ्रॉम फ्रॉम इट्स फाइबर द पश्मीना शॉल जो पर पश्मीना शॉल आपने सुना भी होगा जो पश्मीना शॉल होती हैं ये इसी स्पीसीज के जो एंगोरा स्पीसीज होती है गोड में ठीक है बकरी की जो ये जाति होती है इसी की इसी के कपड़ों इसी के वल से इसके जो वुल जो है सॉफ्टर होता है काफ़ी नरम होते हैं इससे शॉल्स बनाई जाती हैं और इसी शॉल को क्या कहा जाता है पश्मीना शॉल कहा जाता है इन मैनी स्टेट्स और इन इंडिया लाइक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश राजस्थान पंजाब एंड गुजरात शीप्स आर रियर फॉर वुल आल्सो तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ उत्तराखंड हुआ अरुणाचल प्रदेश हुआ राजस्थान हुआ तो ये वो जगह हैं पंजाब है ये इसके साथ जो गुजरात है यहाँ पर जो शिप्स हैं बिल्डों को भी क्या किया जाता है रियर किया जाता है वुल पाने के लिए उनसे वुल इकट्ठा की जाती है क्लोथ आर ड्रेस्ड एक सेकेंड क्लोथ्स एंड ड्रेसेज आर ऑल्सो मेड फ्राम सिल्क यान लेटस नो तो क्या है कुछ कपड़े और कुछ ड्रेसेज सिल्क यन की भी बनाई जाती हैं सिल्क के धागों से भी बनाए जाती हैं चलो उनके बारे में पता लगाते हैं कि सिल्क से कैसे बनाई जाती है तो सिल्क भी हमारा एक एनिमल फाइबर है तो देखिए जो सिल्क होता है सिल्क इज़ नेचुरल फाइबर ऑपरेट फ्राम सिल्क वॉम तो ये हमारा एक प्राकृतिक रेशा है जो सिल्क होता है हमारा प्राकृतिक रेशा होता है जिसको सिल्क वॉम से पाया जाता है जो सिल्क वोम होते हैं सिल्क के की कीड़े होते हैं उनसे पाया जाता है सैरिकल्चर कहा जाता है इसकी देखिए रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑपरेनिंग सिल्क इज़ नोन एज सैरिकल्चर तो वो प्रोसेस जिसमें हम सिल्क पाने के लिए इनको रियर किया जाता है पाला जाता है सिल्क वोम को ठीक है सिल्क के सिल्क की की कीड़े को जिसमें पाला जाता है रियरिंग किया जाता है इस प्रोसेस को सैरीकल्चर कहा जाता है सैरीकल्चर अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो ये हमारी क्या है रियरिंग ऑफ सिल्क वोम है तो देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वोम अगर लाइफ साइकिल की बात करें सिल्क वोम की तो क्या है फ़ीमेल सिल्क वो लेज एग्स ऑन लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री तो मलबेरी की ट्री के ये जो है स्पेशलिटी होती है यानी कि ये सिर्फ मलबेरी ट्री पर ही क्या करते हैं होती हैं सिल्क वोम जो सिल्क देती हैं मलबेरी ट्री का यूज़ करती हैं तो फीमेल सिल्क ले एग्स तो ये अपने अंडे जो हैं छोड़ती हैं मलबेरी की ट्री के ऊपर एंड डीज एग्स हैच इन टू लार्वा और ये जब हैचिंग के बाद क्या हो जाती हैं कैटरपिलर इनका लार्वा बन जाता है दे डेवलप बाई इटिंग लीव्स ऑफ दिस प्लान्ट जो मलबेरी की जो लीव्स होती हैं उनको वो कैटरपिलर क्या है उनको खाती हैं और तब वो वृद्धि करती हैं या बड़ी होते है, या होती है विकास करती हैं या डेवलप होती हैं दे हैव ए स्पेशल ग्लैंड गोल्ड सिल्क ग्लैंड उनमें एक स्पेशल ग्लैंड होती है ठीक है जो सिल्क वोम होते हैं इनमें एक स्पेशल ग्लैंड होते हैं जिसको सिल्क ग्लैंड कहा जाता है दिस ग्लैंड सीक्रेट्स ए सबस्टांस ये जो ग्लैंड होती है सिल्क ग्लैंड जो इनके अंदर होती हैं

विच इज़ कोल्ड कोकून तो बाद में जो ये हमारी जो थ्रेड निकली है सिक्रेट की है यहाँ पे कैटरपिलर पिलर ने ये क्या करती है ये इकट्ठा होकर राउंड होकर के ये जो बनाती है एक स्ट्रक्चर उसको कोकुन कहा जाता है कोकुन के टाइप देखो ये देख पा रही हूँ ये कोकुन बना लेती है इस तरह से इन कोकून कोकुन में इन कुकून कैटर चेंजेस टू प्यूपा स्टेज तो जो कैटर है वो हमारे प्यपा स्टेज में चेंज हो जाता है ठीक है वो तो जब ये कोकुन बनेगा तो ये जो कैटर है यहाँ पर ठीक है ये हमारे प्यूपा में चेंज हो जाता है उसके बाद दैन इट्स प्यूपा चेंजेस इन टू अडल्टम और उसके बाद क्या है इससे दोबारा से सिल्क वो बन जाता है अडल्ट वाली फॉर्म आ जाती है पास प्यूपा सेम बनता है एंड कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल और इससे क्या है इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कम्प्लीट हो जाती है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वोम कोकून स्टेज लाई यूजफुल फॉर सेरिकल्चर तो इस पूरी स्टेज में यानी कि इसके पूरी लाइफ साइकिल में जो कुकून की जो स्टेज होते हैं जब कोकून बनता है लाइज यूजफुल फॉर सेरिकल्चर इसी को कल्चर में यूज़फुल माना जाता है या यूज़फुल होती है सैरिकल्चर की के, के लिए क्योंकि यहाँ से हमें ये रेशे ये वुल मिलते हैं ठीक है कुकुन से ही मिलती है कुकुन ही होता है बिफोर द कोकुन चेंजेस टू एडल्ट इट इज़ गिफ्ट इन सन और हॉट वाटर और स्टीम टू ऑपटेंसिल्क तो इससे पहले कुकुन से पहले बिफोर द कोकुन कुकुन से पहले चेंजेस टू बिफोर द कोकुन चेंजेस टू एडल्ट जब जब क्या है uh, अगर इससे पहले क्या है हमारा कुकुन जो है डल्ट में चेंज हो जाए उससे पहले इसको क्या रखा जाता है इसको रखा जाता है सन में या फिर हॉट वाटर में गर्म पानी में रखा जाता है और स्टीम या फिर स्टीम भाप में टू ऑप्टेन सिल्क इससे सिल्क पाने के लिए यानी कि कुकुन को क्या किया जाता है या तो गर्मी में रखा जाता है ठीक है सन में या फिर गर्म पानी में या फिर भापों में रखा जाता है ताकि उसमें से हम सिल्क प्राप्त कर सकें द फॉर्मेशन ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द रीलिंग तो ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पर हमें सिल्क थ्रेड मिलता है आपके फाइबर से इस फाइबर से ठीक है उसको हम रीलिंग की प्रोसेस बोलते हैं इस प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है जहाँ पर से हमें सिल्क का थ्रेड मिलता है सिल्क के धागे मिलते हैं देन दे आर स्पिन इन यार और उसके बाद वो जब थ्रेड हमें मिल जाता है उसके बाद हम उसको स्पिनिंग की प्रोसेस से यार में बदल देते हैं एंड वीविंग वीव्स डैम इन टू और जो वीवर्स होते हैं यानी कपड़े जो बनाने वाले होते हैं ठीक है वो उसको वीव करके Uh, कपड़े बना लेते हैं ठीक है ऐसे कपड़े बन जाते हैं नाइन्टी परसेंट जो है ऑफ इंडिया सिल्क प्रोडक्शन इज़ डन इन कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ठीक है तो नब्बे परसेंट जो हमारी ये बनती है सिल्क वो जो कपड़े बनते हैं क्लोथ जो बनते हैं पर यही बताया गया है कि जो नाइन्टी परसेंट ऑफ इंडिया सिल्क प्रोडक्शन जो सिल्क प्रोडक्शन है नाइन्टी परसेंट जो सिल्क प्रोडक्शन है वो हमारे कहाँ है कर्नाटका में आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में, में ये तीन जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पर नाइन्टी परसेंट आपकी सिल्क फॉर्मेशन होती है ठीक है चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड और जिसमें क्या है जो हमारा चाइना जो है जो चाइना जो देश है ये जो चाइना जो कंट्री है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्रो है सिल्क की यहाँ यानी कि यहाँ पर जो सिल्क है वो बहुत मात्रा में बनाया जाता है सिल्क जो है प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होती है इंडिया में क्या है कर्नाटका में आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पूरे इंडिया में नाइन्टी जो सिल्क बनती है वो कर्नाटका आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में ही बनती है नाइन्टी ओके सो so, देखिए नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क क्लॉथ्स so, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है क्या विशेषताएँ हैं क्या क्यों ज़रूरी होती है सिल्को सिल्क क्लॉथ हमारे लिए सिल्क के कपड़े सिल्क क्लॉथ डज़ नॉट रिंकल जो सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनमें सिलवटें uh, नहीं पड़ते रिंकल्स नहीं होते दे आर शाइनी एंड अट्रैक्टिव ये क्या होता है चमकीली भी होती हैं और आकर्षित भी करते हैं अट्रैक्टिव भी होते हैं दे आर लाइट वेटेड और इनका जो वेट होता है भार जो होता है वो काफ़ी कम होता है लाइट वेटेड होते हैं ये काफ़ी इसी यही सब जो है तीन इसकी विशेषताएँ हैं इंपॉर्टेंस हैं इनकी आवर क्लोथिंग अगर हम अपने कपड़ों की बात करें राजस्थान की अगर बात करें कपड़ों की बात करें फोर पॉइंट फाइव तो देखिए कॉटन सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स आर यूज इन राजस्थानी पोशाक्स तो जो हमारे कपड़े होते हैं कॉटन के सिल्क के और वुल के होते हैं जनरली राजस्थानी पोशाक्स में जिनको राजस्थानी पोशाक कहा जाता है द ड्रेसिज विच आर वीअर ओन फेस्टिवल्स मैरिजेस एंड अदर ओकेज़न अट्रैक्ट एन इवेंट तो वह कपड़े जो हम डालते हैं फेस्टिवल्स पर शादियों में या फिर किसी त्यौहार पर ओकेज़न पर वो सबको अट्रैक्ट एट, करते हैं आकर्षित करते हैं ऐसे कपड़े होते हैं चुनरी धोती जो होती है उसके साथ साथ हमारा कुर्ता होता है उसके साथ सागा एंड राजस्थानी पोशाक होती हैं और मेन ड्रेस इज वियर बाय मैन एंड वुमेन इन राजस्थान तो राजस्थान में मेनली यही चीज़ें डाली जाती हैं जब भी कोई ओकेज़न होता है कोई शादी होती है कोई फेस्टिवल होता है तो डिफरेंट क्लोथिंग जो है ये दिखाई गई है यहाँ पर फोर में तो देखिए व्हाट यू हैव लर्न तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में बस जान लेते हैं क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रेड हम जान चुके हैं जो कपड़े होते हैं वो थ्रेड से धागों से बनते हैं थ्रेड्स आर फोम फ्रॉम फाइबर्स तो जो थ्रेड होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर वी क्लासीफाइड दैम इन टू टू तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर ये भी हम जान चुके हैं नेचुरल फाइबर्स आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू टू और नेचुरल फाइबर को भी हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं आगे एक होता है जो हमारा प्लांट फाइबर होता है और सेकेंड जो होता है हमारा एनिमल फाइबर होता है प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल फ़ाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं कॉटन जूट मूंज एक्सेट्रा आर प्लांट फाइबर तो हम ये जान चुके हैं जो कॉटन होता है जूट होता है या जो मूंज होता है ये सारे हमारे प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं वुल एंड सिल्क आर ओपटेंड फ्रॉम एनिमल और इसके अलावा जो हमारी वुल होती है या फिर जो सिल्क होती है ये हमें एनिमल से मिलने वाले फ़ाइबर हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं यान प्राप्त करते हैं फाइबर से उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं स्पिनिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर यान से फा, फाइबर से यान बनाया जाता है ठीक है वियरिंग वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोज फ्रॉम थ्रेड तो वीविंग जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं क्लोज बनाए जाते हैं थ्रेड से यानी कि थ्रेड से हम Uh, कप uh, कपड़े बनाते हैं ये वो प्रोसेस होती है वीविंग की ठीक है का काटना देखिए नेक्स्ट जो है वुल इज़ मेड फ्रॉम शिप वेल सिल्क फ्रॉम सिल्क वोम जो जो हमारी वुल होती है वो हमें शिप से मिलती है बेड बकरियों से मिलती है और जबकि जो हमारे सिल्क होते हैं वो हमें सिल्क वोम से मिलते हैं तो ये सब पॉइंट्स जो है हम यहाँ पर इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं ये सब हमें यहाँ से जान चुके हैं तो अब हमारा चैप्टर जो है कम्प्लीट होता है ओके So, kids, this was all for this session in this chapter. And uh, in our next session, we will discuss further chapter that would be chapter number five. And uh, this video and this session will, will help you in all the competitive exams where you will face a science section for sure. And um, thank you so much. Thanks for watching. And please do like, comment, and share my videos with your friends. And uh, also subscribe my channel and press the bell icon to be notified when i will upload a new video thank you so much thanks for watching